गाइस, कैरम पूल के अंदर जो न्यू ऑफर आया है जिसके अंदर हमें इन्फेर्नो लेजेंडरी स्ट्राइकर और ब्रस्ट टेल देखने को मिल रहा है। अगर सेकेंड आईडी के अंदर मैं इसको परचेस करता हूँ तो मुझे ब्रस्ट टेल के साथ साथ लेजेंडरी स्ट्राइकर इन्फेर्नो भी मिल जाएगा। और इन्फेर्नो भाई बहुत ही अच्छा खासा स्ट्राइकर है, आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी मेन आईडी के अंदर इतने ही पैसे खर्च करूं तो मुझे ब्रस्ट टेल भी मिलेगा, उसके साथ साथ मुझे इन्फेर्नो स्ट्राइकर मिलेगा मैक्स स्टेटस के साथ। क्योंकि यहां पर आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक अपग्रेड रहता है इन्फेर्नो स्ट्राइकर का। तो क्या मैं अपनी सेकेंड आईडी के अंदर इसको परचेज करूँ जहाँ पर ब्रस्ट टेल के साथ साथ इन्फेर्नो स्ट्राइकर मुझे मेरी सेकेंड आईडी के अंदर मिल जाएगा, या फिर इसको मैं अपनी मेन आईडी के अंदर परचेस करूं जहां पर मेरे पास ऑलरेडी एक टेल है और ऑलरेडी इन्फेर्नो स्ट्राइकर लेवल 4 तक अपग्रेडेड है। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं अपनी मेन आईडी के अंदर परचेस करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने अलग से ब्रस्ट को परचेस किया जो कि 400 रुपये का पड़ता है। और इसको परचेस करने के बाद गाइज मैं इन्फेर्नो स्ट्राइकर का लास्ट अपग्रेड भी परचेस करने वाला हूं, जिसके बाद मैं इन्फेर्नो स्ट्राइकर का जो स्टेटस है वो फुल मैक्स कर लूँगा। तो यहाँ पर चेक करें सिर्फ एक अपग्रेड रहता है। तो यहाँ पर से गाइज मैं क्या करता हूँ कि इसको परचेस कर लेता हूँ। गाइज अगर मुझे एक दो बॉक्सेस के अंदर इन्फेर्नो स्ट्राइकर ना मिलता तो मुझे इस ऑफर को दो बार परचेस करना पड़ता, क्योंकि एक बार हमें 71 पीसेस मिल रहे हैं इन्फेर्नो स्ट्राइकर के और हमें लास्ट अपग्रेड के लिए 77 पीसेस चाहिए होते हैं। बट जो 8 पीसेस हैं वो मुझे बॉक्सेस के अंदर से ऑलरेडी मिल चुके थे। तो इसीलिए गाइज, ओ भाई साहब, यहाँ पर 3 मिलियन कॉइन्स यानी कि 3.5 मिलियन कॉइन्स से गाइज ये जो लास्ट अपग्रेड है वो होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा कॉइन्स यार यहाँ पर मिनी क्लब हमसे खर्च करवा रहा है। 33 लाख कॉइन्स ले रहा है ये लास्ट अपग्रेड की। वैसे यार इन्फेर्नो स्ट्राइकर को मैं अपग्रेड फुल मैक्स देखने का भाई मज़ा ही अलग है। तो इसको गाइज मैं ज़रूर अपग्रेड करूँगा। 3 मिलियन कॉइन्स की हमें कोई फिक्र नहीं है। तो इसीलिए गाइज लास्ट लेवल को मैंने यहाँ पर अपग्रेड किया और लेवल 5 पर जो इन्फेर्नो स्ट्राइकर है वो फुल मैक्स हो चुका है। और हमारे पास जो न्यू टेल है ब्रस्ट करके वो भी यहाँ पर से आ चुका है। और एक टेल जो है वो ऑलरेडी हमारे पास था जो कि इस सीज़न कैरम पास के अंदर हमें मिला था। तो जो न्यू ब्रस्ट वाला टेल है उसको यूज़ करते हुए हम लोग एक गेम प्ले भी करेंगे। तो बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन बना है मैंने, फुल मैक्स इन्फेर्नो स्ट्राइकर विद फ्लेयर पावर विद ब्रस्ट टेल के साथ। भाई बहुत ही हैवी कॉम्बिनेशन लग रहा था। तो बोर्ड के ऊपर मैं आप लोग को गेम प्ले भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ट्रन ओपनर को मिली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ओपनर ऑटो प्ले यूज़र नहीं होगा। तो ट्रन फाइनली हमें मिल चुकी है। और यहाँ पर से गाइज अभी आप लोग मेरा गेम प्ले देखिए मैं कैसे इस बोर्ड को फिनिश करता हूँ। और यहाँ पर आप स्ट्राइकर को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए और जो इसके पीछे टेल लगा हुआ है उसको भी आप देखिए। भाई बहुत ही मतलब गजब का लग रहा था यहाँ पर। तो उसके बाद गाइज अभी मैं इसको टॉप राइट के लिए जा सकती है ये, ओके ये चली गई। और हमारी जो पोजिशन है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। अभी गाइज यहाँ पर इसको बॉटम राइट में खेलते हुए ऊपर वाली जो अपनी डिस्क थी वो भी पोर्ट हो गई। चले अभी मेरी एक जो डिस्क है जो बोर्ड के बिल्कुल बीच में है सेंटर में वो थोड़ी सी ख़राब पोजीशन में है। मुझे या तो इसको टच करना पड़ेगा या तो ओपोनेंट्स की जो दो डिस्क है उनको हटाना पड़ेगा ताकि मैं टॉप लेफ्ट के अंदर इसको खेल सकूँ कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पर मेरी एक और डिस्क क्लोज हो चुकी है बट इसको जो है ना गाइज मैं इनडायरेक्ट टॉप लेफ्ट के अंदर खेलने वाला हूँ। तो यहाँ पर कम पावर मैं यूज़ करूँगा ताकि अगर शॉट थोड़ी बहुत गलत भी हो तो चली जाए लेकिन परफेक्ट शॉट भाई। और लास्ट में टॉप लेफ्ट के अंदर मैं इसको टॉप लेफ्ट पॉकेट के अंदर मैं इसको पोर्ट कर लूँगा और यहाँ पर से गाइज हम लोग मैच विन कर चुके हैं। तो यार ये थी वीडियो जिसके अंदर हमने ब्रस्ट टेल को परचेस किया, इन्फेर्नो स्ट्राइकर को फुल मैक्स किया, फुल अपग्रेड किया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।